हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं बनाने वाली हूँ गेहूं के आटे से और सब्जियों से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी नाश्ता, जो खाने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे कैसे बनाना है देख लेते हैं। तो मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच तेल। तेल को हम हल्का गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा जीरा। जीरा जब हल्का ब्राउन हो जाए, इसमें ऐड करेंगे हम ग्रेट किया हुआ लहसुन, ग्रेट किया हुआ अदरक। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1 कटा प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, थोड़ी सी हरी मटर। नमक ऐड कर देंगे ताकि सब्जियां जल्दी से पक जाएं, और टमाटर। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ढक के पकाऊंगी। तो 4 मिनट हो गए हैं। मैंने बीच में इसे 2 बार मिक्स किया हुआ था। तो अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़े से मसाले। यहाँ पे मैंने 1/3 टीस्पून हल्दी लिया है, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो हरा मिर्ची भी कट करके ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 उबले और ग्रेट किए हुए आलू। और इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। गैस को मैं बंद कर दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी। स्टफिंग तैयार है। इसे मैं ठंडा होने के लिए साइड में रख दूंगी और आगे का प्रोसेस करते हैं। अब हमें यहाँ पे लेना है गूथा हुआ आटा। यहाँ पे मैंने आटे को पहले से बना के रखा हुआ है और अब हम इसकी रोटी बनाएंगे। जैसे हम रोटियों के लिए आटा बेलते हैं, उसी तरह का नरम आटा मैंने बनाया है। तो चलिए अब रोटी बनाते हैं। तो मैंने इस तरह से रोटी बना ली है और रोटी मैं बना लूंगी। तो यहाँ पे मैंने तवे को गरम कर लिया है। अब हम इसमें रोटी को सेक लेंगे। इसी तरह से और रोटी को हम सेक लेंगे। रोटी सिकने के बाद अब हम एक रोटी लेंगे, इसके ऊपर मैं ऐड करूंगी मेयोनीज। थोड़ा सा टमाटो केचप, अब एक तरफ हम आलू का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर हमें रखना है स्लाइस चीज। आपके पास जो भी चीज हो वो आप इसमें ऐड करें। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी। एक पार्ट हम दूसरे पार्ट से इस तरह से मिला देंगे। तो चलिए इसे फिर से हम तवे पे गरम कर लेते हैं। तवे पे मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा बटर। दोनों तरफ से हम इसे हल्का हल्का क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे पकाने के बाद इसे हम फ्लिप करेंगे। जब दोनों तरफ से सिक जाए इस तरह से, तो हमें इसे बीच में भी इस तरह से इसे सेक लेना है। अब ये क्रिस्पी बन गया है और बहुत ही अच्छे से मैंने इसे सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है और चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से मेल्ट हुई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। इसी तरह से और नाश्ता तैयार कर लेंगे।
तो लीजिए, गर्मा गर्म बन के तैयार है हमारा गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें, ये बहुत पसंद आएगा आपको और सभी इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। ये देख रहे हैं आप, गर्मा गर्म चीज़ के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।